वेलकम टू आवर चैनल एक्सट्रीम। अब आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रैंड फादर ऑफ ऑल एसयूवीज मित्सुबिशी पजेरो जीएलएक्स, जो कि उस टाइम पे आती थी 23-24 लाख रुपए में पड़ती थी। तो गाड़ी स्टार्ट तो करेंगे नहीं हम, क्योंकि गाड़ी की बैटरी डेड है दिस टाइम। तो आगे की कभी वीडियो बनाएंगे जब बैटरी गाड़ी ओके हो जाएगी, तो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ये 4x4 ग्रैंड फादर ऑफ ऑल एसयूवीज है। तो बात करेंगे इसकी अभी आउटर स्पेसिफिकेशंस, इनर स्पेसिफिकेशंस और इंजन क्वालिटी की, और कितने सीसी का इंजन मिलता था उस टाइम पे, कैसा इंजन मिलता था। BS3 कार है ये। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की, शुरुआत करते हैं आउटर स्पेसिफिकेशंस की कार के। आपको ग्रिल से ही शुरुआत कर लेते हैं। मित्सुबिशी की बैजिंग के साथ क्रोम फिनिश में ग्रिल्स दी जाती हैं, और टोटली हैलोजन बल्ब्स में मिलता है सब कुछ, क्योंकि ये 2009 की कार है। तो हैलोजन टर्न इंडिकेटर दिए जाते हैं, हैलोजन हेडलाइट्स दी जाती हैं, और हैलोजन ही ये फोग लैंप हैं। तो ये जैसे कि बताया कि ग्रैंड फादर ऑफ ऑल एसयूवीज है। हुड स्कूप मिल जाता है जो कि फंक्शनल है। आज की गाड़ियों में जो हुड स्कूप आते हैं पजेरो स्कॉर्पियो वगैरह में, वो फंक्शनल नहीं होते, लेकिन इसका टोटली फंक्शनल हुड स्कूप दिया गया है उस टाइम पे। तो आज की गाड़ियों में जैसे कि फॉर्चुनर स्कॉर्पियो में जो हुड स्कूप आते हैं, वो डेकोरेटिव पीस की तरह दिए जाते हैं जो कि फंक्शनल नहीं होते। इस हुड स्कूप का काम होता है इंजन की हीट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंजन है गाड़ी का, 4x4 कार है ये, और फ्रेश एयर जाती रहे इसलिए ये दिया जाता है। लेकिन आज की गाड़ियों में सिर्फ ये एक डेकोरेटिव पीस की तरह दिया गया है। तो फ्रंट लुक कुछ ऐसी है गाड़ी की, आपको दिख ही रही होगी, और साइड लुक आपको दिखा दे, पजेरो की बैजिंग मिल जाती है, साइड टर्न इंडिकेटर दिया जाता है, क्रोम फिनिश में साइड मिरर्स मिलते हैं, क्रोम का काफ़ी वर्क मिलता है गाड़ी में, टॉप मॉडल है ये, और क्रोम के आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, की नॉर्मल की ओपन मिलती है। पजेरो की बैजिंग दिख रही होगी आपको नीचे। तो टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो टायर प्रोफाइल दी जाती है 235/75R15 रेंगुलर टायर्स हैं गाड़ी में, काफ़ी ऊंची गाड़ी है ये। तो आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े साइड ग्लासेस, और बिल्कुल रियर सीट के लिए और लास्ट रो के लिए भी पूरे बड़े साइड ग्लासेस दिए गए हैं। 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है आपको गाड़ी में, साथ ही फुट रेस्ट मिल जाता है। SUV 4x4 कार है इसलिए चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ और आपको दिखाएंगे पीछे कैसा। तो पीछे इस तरीके से स्पेयर व्हील दिया जाता है, इसमें ऊपर रूफ लग जाती है सामान वगैरह रखने के लिए, तो इसलिए इसमें लैडर भी दी जाती है। यहाँ पे आपको BS3 की बैजिंग दिख रही होगी, पीछे भी की लगाने के लिए, ओपन करने के लिए बूट को, मित्सुबिशी की बैजिंग दिख रही होगी। पीछे आपको क्रोम में काम दिख रहा होगा सारा, ब्रेक लाइट टोटली हैलोजन बल्ब, टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब, टर्न इंडिकेटर वो रिवर्स लाइट हैलोजन, इधर रिफ्लेक्टर्स, और ये आपको बिल्कुल हैवी हुक मिल जाएगा कुछ भी टो करने के लिए या खींचने के लिए, बहुत ही पावरफुल कार है ये। रियर विंडशील्ड में हाई माउंट ब्रेक लाइट मिल जाती है आपको, वाइपर मिल जाता है, और डिफोगर्स मिल जाते हैं आपको। तो इस तरफ का व्यू कुछ ऐसा है, दोनों तरफ इंटरकूलर टर्बो 2800 cc का इंजन मिलता है इसमें, इंटरकूलर टर्बो 4 सिलेंडर 2.8 लीटर इनलाइन इंजन दिया जाता है गाड़ी में। तो आउटर लुक कुछ ऐसी है गाड़ी की। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करेंगे गाड़ी के अंदर उस टाइम पे क्या क्या फीचर्स दिए गए और कैसी गाड़ी के अंदर की लुक दी गई गाड़ी में।
कुछ ऐसा मित्सुबिशी पजेरो GLX 4x4 का इंजन दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया आपको, हुड स्कूप पूरा फंक्शनल मिलता था उस टाइम पे, जो कि अब की गाड़ियों में नहीं मिलता है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा फंक्शन के लिए रेडिएटर जैसा दे रखा है यहाँ पे। तो इंजन सीसी मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि जनरेट करता है 150 BHP की पावर और 280 Nm का टॉर्क। तो काफ़ी हैवी बड़ी बैटरी दी है, फिर भी डिस्चार्ज हो गई है ये। तो हम गाड़ी को स्टार्ट या आपको ड्राइव एक्सपीरियंस दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब भी होंगी हमारे पास टाइम होगा और गाड़ी फंक्शनल होगी। तो आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग की एक वीडियो मिलेगी गाड़ी की, बढ़िया ड्राइव एक्सपीरियंस मिलेगा गाड़ी का। तो आपको जैसे कि दिख रहा होगा, हुड पे इंसुलेशन दी गई है पूरी, जो कि आज की गाड़ियों में नहीं मिलती। उस टाइम पे गाड़ी क्वालिटी दी जाती थी, गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी मिलती थी और वैसे भी क्वालिटीज़ दी जाती थी। आज के टाइम पे सिर्फ गाड़ियों में आपको कोस्ट कटिंग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, और कुछ ऐसा बड़ा सा साइड डोर मिलता है, ड्राइवर साइड डोर, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे लाइट दी गई है और ये ग्रैब हैंडल मिलता है, क्रोम और वुडन फिनिश में आपको गाड़ी में वर्क दिखेगा, वुडन फिनिश में ज़्यादा दिखेगा। ड्यूअल टोन में डोर दिया गया है, क्रीम और ब्लैक में। चारों पावर विंडोज़ वन टच अप वन टच डाउन के साथ मिलती हैं। तो अंदर जाने से पहले सीट दिखा देता हूँ कि 6-way मैनुअल एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है। कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको गाड़ी में। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ये इग्निशन का दिया गया है। नॉर्मल लाइट्स मिलती थी उस टाइम, नॉर्मल वाइपर्स दिए जाते थे। ये साइड मिरर्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल करने के लिए, यहाँ पे हुड को ओपन करने के लिए वुडन में आपको पूरी गाड़ी में वर्क दिखेगा। ये एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको पीछे के फॉग लाइट्स ऑन करने के लिए। कुछ इस तरीके का एनालॉग मीटर मिलता है, मिलता था। गाड़ी आपको दिख रही होगी कि ओडोमीटर भी सब नॉर्मल मिलता था उस टाइम पे। गाड़ी 85,000 प्लस चली हुई है। आरपीएम मीटर मिलता है आपको बीच में फ्यूल और इंजन हीट के लिए। और यहाँ पे 4x4 के इंडिकेशन है आपको, बीच में आपको 4x4 डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। डोर पैनल्स पूरे आपको लेदर में सॉफ्ट टच में मिलेंगे, कोई हार्ड टच नहीं है। गाड़ी आपको ओरिजिनल लेदर सीट्स दी जाती हैं, कोई कवर नहीं है, ब्लैक और क्रीम में आपको मित्सुबिशी की बैजिंग दिख रही होगी सीट्स पे। और ये आपका बैक सपोर्ट और लंबर सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए। तो कुछ ऐसी लुक है, बिल्कुल रो, और उस टाइम पे गाड़ी 85,000 प्लस चल चुकी है, जो कि बहुत कम चली है, लेकिन फिर भी गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में है। तो बीच में आपको थर्मामीटर आउटसाइड टेम्परेचर के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हजार्ड्स के लिए दिया जाता है। और ये डिफोगर्स हैं, रियर डिफोगर और लाइट हेडलाइट, हेडलाइट नहीं, ये इंफोटेनमेंट की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए है। नीचे आपको हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा और फ्यूल ओपन करने के लिए। डेड पेडल आपको दिख रहा होगा, डेड पेडल मिल जाता है आपको। और अल्टीमीटर वगैरह, ये सारे आपका गाड़ी के एल्टीट्यूड वगैरह बताने के लिए हैं। बीच में आपको क्लॉक दी जाती है और एसी वेंट्स दिए गए हैं कुछ ऐसे वुडन डिज़ाइन में। मैनुअल कंट्रोल्ड एसी मिलता है और कैनवुड का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था उस टाइम पे, सीडी और कैसेट प्लेयर के साथ। सेंट्रल कंसोल में आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट रिमोट के साथ आता था, ये कुछ ऐसा रिमोट आता है था उसका। तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स गियर, और ये 4x4 के लिए 4 हाई टू हाई
फोर लो और ये डिफरेंशियल फोर लो लो और न्यूट्रल दिया जाता है। बीच में एस्ट्रे मिलती थी आपको, ये सिगरेट लाइटर मिलता है, ये रियर एसी के लिए मिलता है। बीच में आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते थे उस टाइम पे। देखो कितने फीचर्स दे रखे हैं गाड़ी में। लॉक्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता था आपको। बीच में आर्मरेस्ट स्पेस के साथ, ड्यूअल स्पेस के साथ मिलता था, बल्कि बिल्कुल लेदर स्टिच के साथ आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। तो कुछ ऐसी गाड़ी की फ्रंट लुक थी। सनशेड आपको दिख रही होगी, सपोर्ट, ये सनशेड एक्सटेंड करने के लिए भी था एक्सटेंडर। और रियर व्यू मिरर कुछ ऐसा दिया गया था, और वैनिटी मिरर भी मिलता था आपको। तो कैबिन लाइट यहाँ पे दी गई है। अब चलेंगे पीछे की तरफ और देखेंगे पीछे क्या क्या फीचर है और कैसी कंडीशन है पीछे की गाड़ी की। तो बताया जैसे कि मैंने आपको, 2009 की गाड़ी है ये, 2007 की गाड़ी है ये। तो ये ग्रैब हैंडल भी बिल्कुल सॉफ्ट टच में लेदर स्टिच के साथ मिलते हैं आपको, मिलते थे, बार बार रिमाइंड करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हेडरेस्ट दिए जाते थे एडजस्टेबल, चारों के चारों, चारों नहीं, आपको छह हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे थर्ड रो के लिए भी हेडरेस्ट दिए गए हैं ऐसे ही। तो कुछ ऐसा डोर पैनल मिलता है पीछे का भी, सॉफ्ट टच में, सॉफ्ट लेदर टच में। पूरी गाड़ी में लेदर का काफ़ी वर्क दिया गया है उस टाइम पे। वुडन फिनिश में दिख जाएंगे आपको पावर विंडोज़। यहाँ पे एस्ट्रे दी गई है, और ये क्रोम फिनिश में आपको रिक्लाइनेबल सीट मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया लेदर की सीट मिलती हैं, तो पीछे पॉकेट दी गई है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। और अब देखा मैंने कि हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट हैं आगे की दोनों। पीछे ड्यूअल कंट्रोल आपको एसी मिल जाता है, ड्यूअल जोन कंट्रोल, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ड्यूअल रियर कंट्रोल। पीछे से ही आपको फैन और ऑन ऑफ कर सकते हो, आगे का आगे से, पीछे का पीछे से। पीछे एसी वेंट्स आपको रूफ में मिल जाते हैं दोनों तरफ। और पीछे भी आपको यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल मिलेंगे वो सॉफ्ट टच लेदर में, लेदर स्टिच में मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल हार्ड प्लास्टिक में मिलेंगे। तो आपको आर्म रेस्ट मिल जाते हैं दोनों तरफ विद कप होल्डर। और जो कि आपको आज की गाड़ियों में फीचर नहीं दिखेगा कि सीट बेल्ट को होल्ड करने के लिए, कि सीट बेल्ट लूज़ रहती है तो बजती रहती है, तो बजे ना, इसलिए ये एक डमी वो दिया गया है जिसमें आप सीट बेल्ट को टक कर सकते हो। ऐसी कुछ पीछे की विंडोज़ ओपन करने के लिए, तो इसमें पीछे की विंडोज़ भी ओपन हो जाती थी थर्ड रो के लिए, दोनों तरफ की। थर्ड रो में एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ इस तरह से सीट टांगी जाती हैं। पीछे आपको, पीछे भी कैबिन लाइट दिख जाएगी, ऊपर दिख रही होगी आपको। तो पीछे बूट को ओपन करेंगे जब पीछे का दिखाएंगे। आगे यही फीचर्स थे मिडल रो में इसमें, लेकिन आगे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल कंसोल बिल्कुल, और डैशबोर्ड वगैरह कि वो ज़्यादा अच्छा दिया गया है, और काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं उस टाइम पे गाड़ी में। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ और करते हैं बूट को ओपन, और देखते हैं कैसे बूट में फीचर्स दिए गए हैं, कैसा स्पेस दिया गया है और क्या क्या दिया गया है। ये मेन की नहीं है गाड़ी की, लेकिन ये स्पेयर की है। मेन की रिमोट वाली आती है, क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग मिलती है गाड़ी में। तो स्पेयर की भी आपको दिख रहा होगा, मित्सुबिशी की बैजिंग के साथ मिलती है। तो करते हैं बूट को ओपन। पूरा सॉलिड गेट दिया गया है पीछे का हुड को ओपन करने के लिए। तो ये अंदर से ओपन करने के लिए, और ये लॉक अनलॉक का आपको दिख जाता है यहाँ पे। ये टूल वगैरह रखने के लिए दिया है, वाइपर के लिए, फ्लूड डालने के लिए, और ये ग्रैब हैंडल दिया गया है। तो कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है आपको
रियर हेडरेस्ट भी दिए जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आपको एक लाइट दी जाती है जो कि आप रिमूव कर सकते हो एडवेंचर के लिए, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाता है। हर जगह आपको ये सीट बेल्ट को रोकने के लिए दिए जाएंगे। तो पूरी एडवेंचर कार है ये उस टाइम की, और ऑफ रोडिंग में काफ़ी फेमस है। पीछे से आपको दिख रहा होगा, पीछे से भी आपको सीट को रिक्लाइन करके आगे वाले बंदे के लिए उतरने के लिए, और कुछ ऐसी पीछे फोल्ड हो जाती हैं सीट्स। तो 7 सीटर SUV है ये, आपको दिख ही रहा होगा। काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं उस टाइम गाड़ी में। तो लेजेंडरी ऑफ रोडिंग बेयरबोन प्योर सिंपल क्लासिक पजेरो की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और स्टे ट्यून्ड विद अस, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही ओल्ड एंड न्यू एक्साइटिंग कार रिव्यूज़ देखते रहें। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को।